वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए समोसे बनाना शुरू करते हैं। इस समोसे बनाने के लिए मिली हूँ मैदा, अजवाइन, घी, नमक, पानी। तो मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। अजवाइन को ऐसे हाथों पे मैश करके डाल दूँगी, इससे टेस्ट अच्छा आता है। और अब मैं इसमें घी डाल देती हूँ। घी मैं इसमें छोटे चम्मच से 3 चम्मच ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपका मैदा जितना हो उतना घी ले सकते हैं। बढ़िया से मैं इसे मैन कर देती हूँ। बढ़िया से मिक्स करने के बाद मैं इसे हाथों से ऐसे बाइंड करके देख लेती हूँ। अगर ऐसे बंद रहा है तो सही है, नहीं बंद रहा है तो आप घी ऑयल जो यूज कर रहे हैं और इसमें डाल दीजिए। और उसके बाद मैं इसका एक सख्त डो लगा लेती हूँ। डो बिल्कुल सख्त है। हेलो गाइस, मैं कोटी और मैं बनाने जा रहा हूँ चटपटे समोसे। और अगर और आपको भी खाने हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसको मैं दूंगा, जो नहीं करेगा उसको मैं तो नहीं दूंगा। जो नहीं करेगा उसको नहीं दोगे? नहीं, मछली चैनल में तो मैंने गाइस को मार खाने के लिए दिया। ओह हाँ, आज चैनल में तो मैं नया चैनल सीख रहा हूँ, बोल रहा हूँ जो सब्सक्राइब नहीं करेगा उसको तो मैं चटपटा समोसा बिल्कुल नहीं दूंगा। अच्छा, ये अभी आज किस चैनल में हो आप? अभी हम चटपटे चैनल में। अच्छा, चटपटी चैनल में हो? हाँ, चटपटे समोसे। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि चटपटे समोसे के अंदर है। अच्छा अच्छा, और आपके एक सपना, ये जो लोग वीडियो देखते हैं वो लोग आपके कौन हैं? ये लोग मेरे गाइस हैं। अच्छा, वो लोग। अरे अब मैं मैदे का एक सख्त डो लगा कर तैयार कर ली, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। डो मेरा अब तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम समोसे के लिए मसाला तैयार करते हैं। इसके लिए जीरा, सौंफ, खड़ा धनिया, हल्दी पाउडर, आमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ओनियन और धनिया पत्ता, नमक और ये मूंगफली। इसके लिए अब हम मसाला तैयार करते हैं। इसमें अब हम धनिया, जीरा और सौंफ थोड़ा थोड़ा एक साथ में डाल दी, और मैं इसमें ओनियन डाल दी और ये हरी मिर्च। और इसे हम 2 मिनट कलर चेंज होने तक पका लेते हैं। हल्का कलर चेंज हो जाता है तो इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। तो अब ये हमारा कलर चेंज हो गया, धनिया पाउडर डाली, लाल मिर्च, हल्दी और ये आमचूर पाउडर। इसे हम मीडियम फ्लेम पे थोड़ा देर भून लेते हैं। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे भून ली मैं। अब मैं इसमें पहले से आलू को उबाल कर चौक करके रखी हूँ। मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। आलू हमारा इसमें मिक्स हो गया। इसमें हम नमक डाल रहे हैं स्वाद अनुसार। नमक और धनिया पत्ता को अब मैं मसाले में बढ़िया से मिक्स कर दूंगी। और मसाला तैयार ही हो गया है। अब मैं इसमें मूंगफली डाल दूंगी। और मूंगफली डालने के बाद फिर मिक्स करके थोड़ा देर और 1 मिनट तक गैस पे मैं रखूंगी मूंगफली मिक्स होने तक। मिक्स हो गया अब हमारा मूंगफली इसमें। अब हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए मसाला को। और चलिए अब हम समोसे बनाते हैं। अब समोसे बनाने के लिए हम रोटी से मतलब थोड़ा मोटी एक बेल लेंगे। उसको मतलब पूरा गोल शेप में नहीं, थोड़ा लंबा शेप में उसको अब हम काट लेते हैं। एक चाकू से काट लिया मैं। अब मैं इसे देखिए ये ऐसे काट कर अब मैं इसको इस तरह से उठाऊंगी, यहाँ इसे रख कर इस पर पानी लगाऊंगी। पानी लगाने के बाद फिर ये कोन पकड़ के मैं इसी पे उठा कर रख दूंगी। ये रख दी मैं। अब मैं इसे बढ़िया से चिपका लेती हूँ। चिपक गया बढ़िया से। अब मैं जो मसाला बना कर रखी हूँ इसमें डालकर फिर पानी लगाऊंगी इस पे। किनारे पे फिर पानी लगा देती हूँ मैं। उसके बाद सेम जो चिपकाई हूँ उसके सामने एक छोटा फोल्ड देकर यहाँ चिपका दूंगी। और सारे साइड को बढ़िया से ऐसे चिपका दूंगी। अब देखिए कितना बढ़िया हमारा समोसा बन गया। एक समोसा बिल्कुल बढ़िया बन गया और शेप एकदम मस्त आया है। ऐसे ही हम अपने सारे समोसे को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो एक और समोसे आपको बनाकर मैं दिखा देती हूँ, सेम ऐसे ही पहले ही जैसे। ये पकड़ के मैं यहाँ रखी देखिए, और फिर दूसरे साइड का भी कोन पकड़ के मैं इसी पे ऐसे चिपका दे रही हूँ। बढ़िया से इसको चिपका देती हूँ। चिपकाने के बाद फिर
आलू का मसाला इसमें भर देती हूँ मैं। ऐसे चम्मच से दबा देंगे और फिर अब किनारे पे पानी लगाने के बाद सेम पहले ही जैसा, फिर इसके सामने ही एक छोटा फोल्ड दूंगी मैं। इसे समोसे का शेप हमारा बिल्कुल हलवाई के समोसे जैसे आते हैं। तो देखिए हमारा समोसा कितना बढ़िया बना है। ऐसे ही अब हम अपने सारे समोसे को बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो अब हम अपने सारे समोसे बनाकर तैयार कर लिए, अब चलिए हम इसे फ्राई करके दिखाते हैं। फ्राई करने के लिए हम ऑयल गर्म कर लिए हैं। अब हम अपना एक एक करके समोसे इसमें डाल रही हूँ और मीडियम फ्लेम पे अभी मैं समोसे को पका रही हूँ। हेलो गाइस, कौन-कौन मेरा दोस्त बन रहा चाहते कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको भी समोसा खाना है तो कमेंट करके जरूर बताएं। जो कमेंट नहीं करेगा उसको मैं गुड नहीं दूंगा, भूखा रहूंगा। मेरा समोसा फ्राई हो गया और बाकी के समोसे मैं ऐसे ही फ्राई कर लूंगी। तो अब ये भी समोसे मैं ऐसे ही फ्राई कर रही हूँ। पहले से गैस का फ्लेम मीडियम रखूंगी और मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट समोसे फ्राई होने के बाद थोड़ा गैस का फ्लेम हाई करूंगी। तो ऐसे ही हम अपने समोसे को फ्राई कर लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा समोसा बनकर तैयार हुआ और समोसे के साथ ही हमें चटनी बनाई है धनिया और पुदीने और हरी मिर्च की। तो किसको किसको समोसे पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।